बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में लाइर टू एडवांस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो इसमें आज एक हम बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे कि वी आर गोइंग इन टू बॉन्ड्स बट वी आर हैविंग अगेन एन एक्सपोयर और सम लिंकेज टू द इक्विटी हाउ इज़ दैट पॉसिबल दैट इज पॉसिबल थ्रू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वेन वी से कन्वर्टेबल दैट मीन्स इट हैज सम कन्वर्जन ऑप्शन वट इज़ इट लेट टू इट कन्वर्टेबल बॉन्ड हैव फीचर्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज सिंस दे कैन बी कंडीशनली कन्वर्टेड इन टू शेयर्स मतलब ये हमारे पास एक बॉन्ड है उस बॉन्ड में फीचर है कुछ कंडीशन ऑब्वियसली होंगी कि आप उस बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें तो पहले हमने एक बात की थी कि बॉन्ड्स के साथ वारंट हैं एडिशनल वारंट्स हैं बात करें जो बॉन्ड है वही कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में सो so, आपने लिया बॉन्ड है यू हैव चॉइस टू हैव इट कन्वर्ट टू शेयर दिस मेक द मोर सेंसिटिव टू कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ एंड लेस सेंसिटिक टू मार्केट इकनॉमिक्स और सेंटीमेंट बिकॉज अब आप मार्केट का तो इम्पैक्ट जनरली आना ही आना है लेकिन जो उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली उसके शेयर प्राइस में इंपैक्ट्स आएंगे तो दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस तो हमें उनका एक स्पेसिफिक नॉलेज होगी लेनी पड़ेगी कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी तो ट्रेडिशनल बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता वो उनको बॉन्ड्स को मार्केट का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है कंपनी का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है क्योंकि जितना इनिशियल इंपैक्ट उन्होंने रेटिंग वगैरह में लेना होता है ले लिया होता है बाद में इट्स इम्पैक्ट ऑफ मार्केट वेयर एज इन कन्वर्टेबल बॉन्ड मार्केट का इम्पैक्ट तो थोड़ा होगा लेकिन कंपनी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट भी बहुत आएगा द वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड मस्ट देयरफॉल कैरी फीचर्स ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन एज वेल एज इक्विटी वैल्यूएशन वैसे दो दोनों लैदा डायनेमिक्स हैं बॉन्ड की वैल्यूएशन लैदा इक्विटी लेकिन जो कन्वर्टेबल है इसमें फिर एक हाइब्रिड मॉडल यूज होगा जो दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेगा द इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन एक्स लाइक अ कॉल ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंग स्टॉक तो आप एक किस्म की समझ सकते हैं कि ये कॉल ऑप्शन है आप चाहें तो शेयर्स में कन्वर्ट करें ये बाइंडिंग नहीं होगी बॉन्ड होल्डर के पास चॉइस होगी वो चाहे तो कन्वर्ट करे अगर ना चाहे तो कन्वर्ट ना करे यू कैन मेच्योर विद हिज बॉन्ड एज इट्स नॉर्मल कोर्स लाइक कॉल ऑप्शन वैल्यू चेंज बेस्ड ऑन वेरियंस वेरियंस इन अंडरलाइंग स्टॉक तो इसी तरह कन्वर्जन रेशो और रेशो इनके इम्पैक्ट तो जो स्टॉक्स में मूवमेंट होगी उसी का इम्पैक्ट इसकी बॉन्ड की प्राइस में हो रहा होगा क्योंकि इसमें कन्वर्जन फैक्टर इन्वॉल्व है तो कॉल ऑप्शन को भी ये चीज़ें इम्पैक्ट करती थी इसी तरह इस कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को भी ये चीज़ें इम्पेक्ट करेंगी The role of valuation. Valuation is a term used to describe the process of determining fair value. ये हम multiple time बहुत कर चुके हैं कि valuation का मकसद क्या है Intrinsic value निकालना या fair value निकालना So almost every value मोशन model focus on finding present value. ये हर model क्या कर रहा होता है कि future cash flows की अभी value निकाल दो That should be value of bond. That should be value of the stock. तो वो principle इधर भी stand करेगा एस्टिमेटिंग कैश वैल्यू कैश फ्लो फॉर द बॉन्ड कैन बी डिफिकल्ट अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर 10 साल का बॉन्ड है आप बता सकते हैं कि 10 साल में ये ये कैश फ्लो आएंगे लेकिन 10 साल का कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो ये पता नहीं है कि भाई तीसरे साल कन्वर्ट हो जाए हो सकता है आठवें साल में कन्वर्ट हो तो इट्स डिफिकल्ट टू गेज स्पेसिफिकली ये थोड़ा सा हमारे जैसे फाइनेंस वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है नॉट वेरी डिफ़िकल्ट तो ट्रेडिशनल बॉन्ड्स में बहुत सिंपल है आपके पास इजी कैश फ्लो होते हैं आप उन कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं यू गेट द वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी जरा फॉर अदर फैक्टर्स को बिल्ट इन करना पड़ेगा द प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट बॉन्ड सम एम्बेडेड ऑप्शन और अदर कंडीशनल अल्टरनेटिव टू कैश अब जब भी बॉन्ड्स में ऑप्शनस आएंगी एम्बेडेड ऑप्शन आएंगी तो उनको फिर हमें उसमें एड ऑन करना कुछ उसकी वैल्यू को बढ़ा भी देती हैं कुछ उसकी वैल्यू को कम भी कर देती हैं बॉन्ड्स कैन बी पोर्टेबल और कॉलेबल डिफरेंट हमने जिस तरह ऑप्शन की बात की थी फ्लोटिंग है कन्वर्टेबल जब कन्वर्जन वाला फैक्टर आएगा दैट्स अगेन अ चैलेंज टू अस टू डू द वैल्यूएशन ट्रेडिशनल बॉन्ड वैल्यूएशन एज वी नो वेरी सिंपल बट लेट्स री इट इनवॉल्व थ्री स्टेप एस्टिमेट फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो वे डू डिटर्मिन डिस्काउंट रेड उसके लिए अप्रोप्रिएट निकालें एंड कैश फ्लो को उस टेट पर डिस्काउंट करें एंड यू गेट द वैल्यू फॉर द बॉन्ड तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी एंड दैट सॉल्व आर पर्पज़ फर द कैश फ्लो शुड बी इक्वल टू येट अनपेड कोपोन लेफ्ट बिफोर मेच्योरिटी और जितने अनपेड कोपॉन होने हैं फ्यूचर में जो आने हैं उन सब को ये ट्रिगरिंग करके ये ले ली जाती है और आप उसकी बेस पे रिटर्न उसकी बॉन्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड यू कैन गया एक्सपेक्ट कि हमें इसे क्या यील्ड आएगी ये तो सिंपल बॉन्ड के मैकेनिज्म में है बट वेन इट्स द मैटर ऑफ द अदरवाइज देन रिलेशनशिप फैक्टर हैज़ टू बी देर रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड वैल्यू एंड डिस्काउंट रेड इज सेम एज रिलेशनशिप विथ बॉन्ड एंड यील्ड क्योंकि ये आपस में इनवर्सली लिंक्ड हैं इंटरेस्ट रेट्स लो होंगे द लोअर रेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल गो आप बिकॉज आपका बॉन्ड तो फिक्स है अच्छा रिटर्न दे रहा है इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए आपका बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे आपके बॉन्ड की वैल्यू कम होगी तो दीज आर इनवर्सली रिलेशनशिप ये बॉन्ड्स का जो है ये सिंपल डायनेमिक है विच वी नीट तो ये आज एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी है कि बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर भी आप थोड़ा इसके साथ ग्रास्प कर सकते हैं हमारा की टॉपिक कन्वर्टेबल ही है लेकिन क्योंकि हमें सिंपल बॉन्ड का पता होगा तो हम कन्वर्टेबल को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे अब कन्वर्टेबल में जाके जो हमारे लिए चैलेंज पार्ट आता है दैट इज द फीचर विच इज़ द कन्वर्जन कन्वर्टेबल हैव एम्बेडेड एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू स्टॉक क्या आप इसको शेयर में मूव कर सकते हैं तो वो जो मूवमेंट वाला ऑप्शन है दैट्स इक्विटी पार्टिसिपेशन फीचर है कि आप एक तरह से शेयर होल्डिंग में उसका पार्ट बन सकते हैं तो दैर नीड टू बी स्पेसिफिकली टेकन केयर इन दिस पर्टिकुलर मोड दे आर मल्टीपल मैथड्स ऑफ वैल्यूइंग कन्वर्टेबल बॉन्ड इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन तरीके से डिफरेंट आप कर सकते हैं बट द मोस्ट फेमस वन और द मोस्ट यूटिलाइज वन इज के हम उसको किस तरह करें कि वी कीप इट एज अ सेपरेट चैंक अभी हम उसकी बात करते हैं कि हम इसको दो पार्ट्स में बना लें वो इस तरह बना लें कि हम कहें कि जी एक हमारे पास जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक जनरल बॉन्ड का है एंड देन यू कैन सी तो इसमें हमें क्या करें इन्वेस्टर वांट टू एंटिसिपेट द इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्टेड ऑन स्टॉक्स एंड हाउ दैट कुड चेंज ओवर द कन्वर्जन वैल्यू क्या हमारी जो वैल्यूएशन है उस पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा तो ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट वैल्यूएशन मैथड फॉर कन्वर्टेबल बॉन्ड इज़ कि इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड एक सिंपल बॉन्ड की वैल्यू निकाल दें यानी कि उसमें कोई इम्पैक्ट और चीज़ का ना हो एक ट्रेडिशनल बॉन्ड ले प्लस इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है तो इन दोनों को कंबाइन करें यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अ कन्वर्टेबल बॉन्ड तो ये दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट कॉम्प्लेक्स मैथड्स भी हैं जिसमें दोनों को कॉम्बिनेशन के थ्रू भी हम देखते हैं बट दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ एंड सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्टेबल बॉन्ड जो पैराडॉक्स के लिए लेस रिस्क सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल बॉन्ड ये मार्केट्स में हमें इम्पैक्ट तो आता ही अभी हम इसमें देखते हैं लेकिन ट्रेडिशनल बॉन्ड से इनका इम्पैक्ट थोड़ा कम है दिस इज बिकॉज इंक्रीज रिस्क डिक्रीज वैल्यू ऑफ़ डेट एंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन यानी कि रिस्क थोड़ा सा बढ़ा तो डेट की वो जो बॉन्ड एलिमेंट कम हो गया इक्विटी एलिमेंट बेहतर हो गया तो आपस में ऑफ सेटिंग कर रहे होते हैं तो इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा फायदेमंद थैंक यू